सो यहीं डल लेक पे कि यहाँ पर हार्ट है, उम्मीद वेमेंस हार्ट। सो कुछ आउटलेट्स जो हैं वो टेम्प्रेरी बनाई गई हैं, जहाँ पर वेरियस प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन। सारी अभी तक खुली नहीं है, कुछ खुली हैं। ये कितने का है? 700 है। फ्रूट्स की भरमार है यहाँ। मे बी क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो काफ़ी लोग जो है बाइक करते होंगे ड्राई फ्रूट्स। सो इस तरह के बैग्स भी, बहुत सारे बैग्स मल्टीपल आउटलेट्स पे अवेलेबल हैं। कश्मीरी डिजाइन्स हैं इन पे। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं अपने होम स्टे पे, जिसका नाम है दी ओएसिस। यहाँ पर हमारा 5 नाइट्स का स्टे है, यानी कि जितने भी दिन अभी हम कश्मीर में रहेंगे वो हम इसी होम स्टे पे बिताने वाले हैं। क्योंकि ये हमारा पहला होम स्टे है तो हमारे मन में कई डाउट्स थे। जो हमारे मन में तस्वीर बनी हुई थी होम स्टेज की, तो रियलिटी उससे बिल्कुल डिफरेंट निकली है। काफ़ी प्रोफेशनल लेवल पे इसका सेटअप है। अभी आप देख रहे हैं होम स्टे के गार्डन को, जो कि वेरी वेल मेंटेन्ड है। मैं आपको इस होम स्टे का टूर भी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप इसकी सराउंडिंग्स चेक करें। होम स्टे के बगल में ही एक कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी और उसके साथ ही एक स्कूल था, तो उसमें आप सब दूर से बच्चे खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे रोज़ में। यहाँ इर्द गिर्द जितने भी घर बने हुए हैं सभी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये हैं प्रॉपर्टी के ओनर बीओएसएस श्रीनगर के, तो वी आर लकी के हमें इनसे मुलाकात करने का मौका मिल गया। अक्सर ये बाहर रहते हैं, हमें पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में तो अभी ये यहीं पर हैं, तो हमें अच्छा लगा इनसे मिलकर। आप बताइए कुछ अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपने बारे में थोड़ा। पहले अपना नाम बता दीजिए। माय नेम इज मंजूर अहमद लंगू एंड आई एम, दिस इज माय 4th generation विद देयर टूरिज्म एंड दिस इज माय हॉबी एंड वी आल्सो हैव अ हाउस बोट्स इन ऑन नगी लाइक। ओके राइट। एंड इनिशियली दिस वाज फॉर आवर फैमिली टू लिव। Okay. Then we convert this because you know, being a tourist, आपने इसको रहने के लिए बनाया था, घर बनाया था, yes, yes. तो बाद में आपने गेस्ट के लिए ओपन कर दिया। That's right, yes. So we open Oasis के नाम से, the Oasis Srinagar. Okay. And it's a boutique type property as you have stayed here. हमने जब तस्वीरें देखी तो उससे भी अच्छा लगा हमने जब हमने एक्चुअल में देखा था। तो ये आपने कब कंस्ट्रक्ट किया? ये हमने 2003 में इसको ओपन किया था कंस्ट्रक्शन, बट इट वाज यू नो, बट वी हैड अ वेरी गुड कारपेंटर, जो कारपेंटर जिसने उसने बनाया, ही इज अ हाउस बोट कारपेंटर। तो आपने देखा इनसाइड द वुड वर्क? यस, वुड वर्क, दैट्स अ ग्रेट फीचर। जी हमने वुड वर्क, वुड पैनल्स, वो बड़े अच्छे लगे हैं। सो इट्स मोर लाइक अ हाउस बोट, जो भी रूम्स है, बाथरूम्स एंड ऑल दिस, मोर लाइक अ हाउस बोट। तो बाकी ये है कि हमें घर जैसा माहौल मिला, घर जैसा खाना मिला। बहुत अच्छे लोग हैं आपके मैनेजर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एंड आई आल्सो लाइक टू मेंशन, आई मीन जैसा कि डल लेक है या निगी लेक है और जीरो ब्रिज या शालीमोर, एंड वहां इस टाइम बहुत कंजेस्टेड है, वेरी यू नो, व्हेन हूएवर कम्स हियर दे रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने यहां बुक किया। वंस दे आर हियर बहुत शांति मिलता है उधर, क्योंकि वहां पे बहुत शोर शराबा है, जीरो ब्रिज एंड डल लेक एंड अदर प्लेस। We'll so definitely like recommend this property to our relatives and friends. Thank you very much. So we like it very much. Thank you so much. So thank you so much. Thank you so much. Thank you much. Thank you very much choosing the Oasis Srinagar. Thank you so much. आइए अभी मैं देता हूँ आपको होम स्टे का टूर। दिस इज द लिविंग
एरिया। ये जो चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं ये इसलिए हैं क्योंकि प्रॉपर्टी के मालिक का एक्सपोर्ट का बिजनेस भी है। सो नाउ वी आर एंटरिंग द डाइनिंग एरिया। मतलब जैसे राजस्थान का गेट है जिसके ऊपर लगा है। सो ये एक बड़ा ब्यूटीफुल सा कॉर्नर है प्रॉपर्टी के फर्स्ट फ्लोर पे, जिसको मैं कॉफ़ी कॉर्नर बुला सकता हूँ, और यहाँ पर बैठकर आप चाय या कॉफ़ी के कप को एंजॉय कर सकते हैं। मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि काफ़ी ध्यान दिया गया है इस प्रॉपर्टी को डेकोरेट करने में, और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं वो सिलेक्शन बहुत फाइन लगती है मुझे। और ये है किचन जहाँ पर जसकरण हमारे लिए कॉफ़ी रेडी कर रहे हैं मुमताज़ और आकिब की असिस्टेंस के साथ। सो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस प्रॉपर्टी दी ओएसिस श्रीनगर का रूम। सो ये रहा दी ओएसिस का ब्यूटीफुल रूम, सारा वुड कार्विंग है, वुड पैनल्स हैं, बहुत सुंदर कर्टन्स, बेड कवर। यहाँ पर आपको हैलोजन हीटर भी मिलेगा, टीवी है, बहुत ही सुंदर कबर्ड्स बनी हुई हैं। सो अभी मैं आपको बाथरूम भी दिखाता हूँ इनका। सो दिस इज द बाथरूम, शार पैनल। सो इन्होंने बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री किट्स प्रोवाइड की हुई हैं, इसमें शार जल है, हेयर कंडीशनर है, शैम्पू है, डेंटल किट है, सोप्स हैं, शेविंग किट है, हॉट वाटर जो है फुल डे अवेलेबल है। सो अभी मैं दिखाता हूँ आपको इनकी बालकनी। सो बड़ा अच्छा व्यू है गार्डन का। सो आज मौसम भी बड़ा अच्छा है, कल तक बारिश हो रही थी लेकिन आज जो है वो ये इनकी सराउंडिंग्स हैं। पास ही में बहुत सारे घर बने हुए हैं जहाँ पर श्रीनगर के रेजिडेंट्स रहते हैं। और ये रहा इनका ब्यूटीफुल गार्डन। वेल मेंटेन्ड गार्डन है। सो ये इस प्रॉपर्टी का एक और रूम है, ये माउंटेन व्यू रूम है। जो पहले दिखाया था वो गार्डन व्यू था। सो ये माउंटेन व्यू रूम है। अभी जो माउंटेन्स हैं वो ज़्यादा क्लियरली नज़र नहीं आ रही हैं क्योंकि थोड़ी धुंध पड़ी हुई है, फॉगी है वेदर, हालांकि धूप निकली है। सुबह हमने सिर्फ मैगी और कहवा का नाश्ता किया था तो इस वजह से हमें भूख बहुत लगी हुई थी, तो हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पर हमारे लिए फ्रेश लंच प्रिपेयर किया गया है। मटर पनीर और नदरू पालक रेडी किया गया है लंच के लिए। रोटी। लंच करने के बाद भी हमारे पास शाम बची हुई थी तो हम आ गए हैं विजिट करने शालीमार बाग। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शालीमार बाग को फरा बख्श और फैज़ बख्श के नाम से भी कभी जाना जाता रहा है। इस बाग का निर्माण मुग़ल बादशाह जहांगीर ने 1619 में करवाया था। सेकेंड टाइम विज़िट कर रहे हैं हम इस गार्डन को और माउंटेन्स इन दी बैकड्रॉप, बहुत ही शानदार व्यू बन रहा है। और इस बाग को मुग़ल हॉर्टिकल्चर का हाई पॉइंट माना जाता है। आजकल ये एक पब्लिक पार्क है, कोई भी टूरिस्ट विजिटर इस पार्क में आ सकता है। ये वाली बिल्डिंग पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है। इस बाग की इम्पोर्टेंस बताने के लिए इसको क्राउन ऑफ श्रीनगर भी कहा जाता है। माना जाता है कि एक पुराने गार्डन को ही बड़ा करके रॉयल गार्डन के रूप में तब्दील किया गया था और जहांगीर ने ही इसको फरा बख्श का नाम दिया था, जिसका मतलब है दी डिलाइटफुल। अगर आप कश्मीरी ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो यहां पर भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी।
1630 में शाहजहां के हुक्म पे यहां के गवर्नर यानी कश्मीर के गवर्नर जफर खां ने इसको और एक्सटेंड किया था और इसे नाम दिया था फैज बख्श, जिसका मतलब है दी बाउंटीफुल। कश्मीर के सूबे में जब सिख गवर्नर नियुक्त हुए थे तब उनकी आरामगाह भी ये शालीमार बाग ही हुआ करती थी। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं इस पे चिनार के वृक्ष की इम्पोर्टेंस लिखी गई है कि चिनार का ये जो वृक्ष था वो 365 सालों से यहाँ पे खड़ा है। जब यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह का राज्य कायम हुआ था तो यहाँ पर जो सामने बना हुआ मार्बल पवेलियन है उसको गेस्ट हाउस के रूप में प्रयोग किया जाता था। कई शासकों तथा गवर्नरों द्वारा शालीमार बाग में कई प्रकार की तब्दीलियां की गई और इनको अलग अलग नाम से बुलाया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेम जो रहा इसका वो शालीमार बाग था और आज भी इसको शालीमार बाग के नाम से ही जाना जाता है। तो वैसे तो ये फाउंटेन्स चलने चाहिए तभी ब्यूटी आएगी, लेकिन बंद है किसी वजह से। माना जाता है के बादशाह जहांगीर और उनकी बेगम नूरजहां कश्मीर की सुंदरता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने राज्यकाल में 13 बार अपने पूरे दरबार के साथ यहां पर शिफ्ट किया था श्रीनगर में, और शालीमार बाग जो था वो उनका समर रेजिडेंस था, यहीं पर उनका शाही दरबार लगता था। ये जो बात मुझे पता चली है वो भी बहुत हैरान करने वाली है कि बादशाह जहांगीर जो थे वो पीर पंजाल की पहाड़ी श्रृंखला जो उस समय कई बार बर्फ़ से ढकी हुई हुआ करती थी उनको हाथियों पर बैठकर क्रॉस करके श्रीनगर पहुंचा करते थे। गार्डन में भी आपको पर्शियन गार्डन्स की झलक दिखाई पड़ती है। इस गार्डन की जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है और पूरा रकबा जो है वो 31 एकड़ है, 31 एकड़ है जिसमें ये पूरा गार्डन फैला हुआ है। इस गार्डन में 3 टेरेसेस हैं और जो पानी का स्रोत है, जो 3 टेरेसेस को सप्लाई होती है पानी की, जो फीडर चैनल है उसको बोला जाता है शाह नहर। तो अभी हम मुगल गार्डन शालीमार होने के बाद आ गए हैं हज़रत बल मस्जिद की ओर। तो अभी हमने गाड़ी पार्क की है और मार्केट में से होते हुए जाएंगे आगे। खजूरों से भरी हुई है ये रेडी। तो रमज़ान का महीना जो है चल रहा है इसलिए यहाँ पर आपको खजूरें बहुत नज़र आएंगी और ऐसी दुकानें बहुत नज़र आएंगी यहाँ पर, ये जो खाने पीने का सामान है जो सजा हुआ मिलेगा। इस मार्केट में खाने पीने की ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जहां पर आपको इस प्रकार के स्नैक्स जो हैं वो सजे हुए मिल जाएंगे। हमने बहुत सारे लोगों को ऐसी ब्रेड्स खरीदते हुए देखा, शायद जब रोज़ा खोला जाता है तो ये ब्रेड जो है वो खाई जाती है। तो ये बैम्बू की बनी हुई टोकरियाँ, अभी हम पहुंच चुके हैं हजरत बल श्राइन के सामने जिसको दरगाह शरीफ भी कहा जाता है। ये दरगाह श्रीनगर की हजरत बल लोकेलिटी में स्थित है और माना जाता है कि यहाँ पर
पैगंबर मोहम्मद का बाल रखा हुआ है। ये दरगाह डल लेक के उत्तरी किनारे पर स्थित है तथा इसको कश्मीर की सबसे ज़्यादा मुकद्दस होलीएस्ट श्राइन माना जाता है। इस श्राइन का नाम हज़रत बल दो लफ्ज़ों को मिलाकर बनाया गया है, हज़रत जो कि एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है रेस्पेक्टेड, और बल जो एक कश्मीरी शब्द है जिसका मतलब है प्लेस। सो हज़रत बल मीन्स रेस्पेक्टेड प्लेस। इस श्राइन की पहली बिल्डिंग का निर्माण शाहजहां के राज्यकाल में हुआ था। उस समय सादिक खां जो कि यहां का मुगल सूबेदार था, उसने 17th सेंचुरी में पहली बिल्डिंग का निर्माण करवाया था। इस श्राइन का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसका निर्माण 1968 में शुरू हुआ था और 11 सालों के बाद 1979 में ये कार्य पूरा हुआ। माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद का बाल उनके एक वंशज सैयद अब्दुल्ला मदानी कश्मीर में लेके आए थे। ये सभी बर्ड्स जो हैं इस ट्री पे आके बैठते जा रहे हैं, और जो इस श्राइन की देखभाल करते हैं यानी इसके जो केयर टेकर्स हैं उन्हें निशानदेह कहा जाता है। थोड़ी प्यास लग रही थी, कुछ ठंडा पीने को मन कर रहा था, तो यहाँ से हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स लिए हैं दो। तो इसी के सामने मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का सर सैयद गेट नज़र आया, दूसरी तरफ मौलाना रूमी गेट था। तो यहाँ पर हम रुके तो मुझे लगा कि मैं इसको शूट करता हूँ। तो थोड़ी प्यास लग रही थी तो प्यास बुझाने के लिए ड्रिंक लिया है। इसके बाद हम जा रहे हैं गुरुद्वारा, यहाँ है गुरुद्वारा छठी पातशाही। अभी हम पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा पातशाही छठी श्रीनगर। ये गुरुद्वारा एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जो श्री गुरु हरगोबिंद साहिब के जीवन के साथ संबंधित है। माना जाता है कि 1616 ईस्वी में श्री गुरु हरगोबिंद साहिब यहाँ पर आए थे। कहा जाता है कि जब वो यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर एक वृद्ध स्त्री उनकी वेट कर रही थी, जिसने उनके लिए एक खादी का एक कुर्ता तैयार किया था। वो गिफ्ट जो था वो गुरु हरगोबिंद को दिया और उनसे एक रिक्वेस्ट की कि क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी बुढ़ापे के कारण, तो वो उनके दर्शन करना चाहती थी। तो गुरु हरगोबिंद ने वहाँ पर वर्षा मार कर पानी निकाला ज़मीन में से, और उस पानी के छींटे उस वृद्ध स्त्री की आंखों पर फेंके जिससे उसकी आंखों की रोशनी आ गई। तो उसने गुरु हरगोबिंद के दर्शन किए और कहा कि अब वो और कुछ नहीं देखना चाहती इस दुनिया में। तो उसी समय उसने अपने प्राण त्याग दिए थे और वो वृद्ध स्त्री की जो एक समाधि है वो भी इसी गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में बनी हुई है। सारा दिन श्रीनगर की साइट सीइंग करने के बाद गुरुद्वारा साहिब में आकर एक अलग ही किस्म का सुकून मिल रहा है यहाँ पे। कश्मीर में ये हमारा दूसरा दिन था और हम श्रीनगर सिटी घूमने के बाद अभी हम वापस आ गए हैं अपने होम स्टे पे। तो मेरा मन किया कि मैं आपको नाइट व्यू भी इसका दिखाऊं, लाइट्स वगैरह इसकी ऑन थी तो अच्छा व्यू लग रहा था, तो मुझे लगा कि मैं इनको कैप्चर करता हूं, इन मोमेंट्स को। दिन के टाइम इस झूले पर बैठ के ज़रूर झूला झूलेंगे हम। सो दोस्तों, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, शब खैर।